हेलो व्हाट्सअप गाइस मै निस विनोद बादू था एंड टूड एंड दीड वी विल सी इमेज फिल्टर ऐप यूजिंग जावर स्क्रिप्ट जी गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा औसम दिखाई दे रहे जहाँ पे वी हैव सम ऑप्शन बेसिकली आप इसको एक टैप्स भी कह सकते हो जब भी हम इस पर क्लिक करते हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड का जो भी इमेज है वो हमें फिल्टर होके मिलता है लेट्स से नेचर में तो मुझे नेचर मिल रहा है वेन आई क्लिक ऑन बर्ड तो मुझे बर्ड्स मिलती है जब मैं एनिमल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एनिमल मिलता है एंड देन अगेन जब मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी मेरे इमेजेस है वो मुझे मिलता है सो so गैस कैसा लगा आपको ये ना बहुत ही ज्यादा ऑसम तो बताना चाहूंगा ये भी हमारा जस्ट फिफ्टीन हंड्रेड डेज का ही एक पार्ट है जो कि अभी तक हम टोटल कितना थर्टी वन डेज हो चुका है तो मैंने सोचा यार इतने सारे दिन हो चुके तो एक मिनी प्रोजेक्ट करना तो बहुत ही जा, ज्यादा जरूरी है तभी आपको भी थोड़ा हौसला आएगा एंड तभी आपको भी थोड़ा एक फीलिंग आएगी चलो यार मैं कुछ तो सीख रहा हूँ राइट तो फाइनली अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उन सब की मदद से गैस आज हमें ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी मैं किसी भी टैब पे क्लिक करता हूँ तो उसके बेसिस पे जो भी इमेज है वो फिल्टर होकर हमें मिलना जरूरी है तो एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने वर्ल्ड वे जाओस्क्रिप्ट कोर्स पार्ट वन पार्ट टू एंड ई कॉमर्स वेबसाइट को चेकआउट नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट वाला एडवांस पार्ट देख रहे इसमें मैंने पंद्रह से ज्यादा प्रोजेक्ट एंड मेगा प्रोजेक्ट भी बनाया हुआ है तो इसको भी जरूर चेकआउट कीजिए मजा आ जाएगा तो उसमें से गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आपको क्या करना है गाइस अभी के अभी वीडियो को कीजिए पॉज एंड आप खुद से कोशिश कीजिए कि ये जो ऐप है या ये जो फंक्शनैलिटी है इसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो ऑलट गैस right so तो आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा एंड आप में से अगर बहुत तो भी लगता है अबे ये तो बच्चों वाला है तो गाइस बच्चों वाला तो करके बताओ फिर है ना नीचे कमेंट कर देना अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ ये वाला वीडियो जो एक बार जरूर देख लो वरना कुछ नहीं हो पाएगा गाइस लाइफ में मैं पहले बता रहा हूँ अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि ये मिनी प्रोजेक्ट है कोई एकदम नॉर्मल प्रोजेक्ट भी नहीं मिनी के अंदर ही आता है ये ठीक है एंड मैं आपको हिंट दे देता हूं कि करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन सबसे ईजिएस्ट तरीका होगा इवेंट डेलीगेशन एंड वो मैंने आपको एडवांस वाले में पढ़ा है जहाँ पे मैंने आपको इवेंट बबलिंग कैप्चरिंग प्रोफाइगेशन इवेंट डेलीगेशन बहुत सारी चीज़ें करके मैंने आपको एकदम इन डेप्थ में बताया भाई जो आपको कोई यूट्यूब में बाकी जगह मिलेगा भी नहीं तो देख लो गाइस आप मैं बता रहा हूँ अगर आप भी खुद से कर पा रहे हो मतलब बहुत अच्छी बात है आप इंटेलिजेंट हो अगर नहीं कर पा रहे फिर तो मुश्किल है आपके लिए क्लियर बता रहा हूँ आपको बुरा लगे जो भी लगे बट रियलिटी यही है कि अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो तो वीडियो देख लो कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका आप ही के लिए ये आप जो कोरियन सीरीज या कोई मूवी देख लेते हो दो घंटे दो घंटा भाई यही देख लो ना लाइफ तो सवर जाएगी आपकी ठीक है ऑलर गाइज तो आ, या बिना किसी तरह की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और गाइज तो आप टॉप पे देख सकते हुए भाई इंडक्स डॉट टेस्टेमल फाइल इंडेक्स डॉट जे एंड स्टाइल डॉट सी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ आई मीन ऐड करके रखा क्योंकि अगर मैं सी भी बताने जाऊँगा तो फिर फायदा क्या है भाई बहुत लंबा चला जाएगा ये वीडियो तो उसके लिए ऑलरेडी मैं सी कोर्स अपलोड कर चुका हूँ इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर आप ये वाला सिंपल एनिमेशन भी नहीं बना पा रहे तो फिर तो मुश्किल है क्लियर कट बोलो क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें एक एक लाइन एक्सप्लेन करो बाद में वीडियो देखना तो किसी को नहीं है समझ रहे हो इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है जास्क्रिप्ट का बात चल रहा है तो हम जाक्रिप्ट एंड जो एस्टिमेट लगेगा उतना ही देखेंगे सिंपल ऑलर गैस तो ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्राई खुद से कीजिएगा इवेंट डेलीगेशन हम यूज़ करने जा रहे हैं एंड फॉर मोर ऑन इवेंट डेलीगेशन आप वीडो चेकआउट कर सकते हो तो सबसे पहले लेट्स गो विथ एस्टेमल है ना तो एस्टेमल फाइव के साथ हम चलते हैं यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए लेट्स से इमेज फिल्टर लिख दीजिए इस तरीके से परफेक्ट यहाँ पे आइए तो uh, अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड हाँ इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कॉपी पाथ पेस्ट तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल हमारे पास से चार ऑप्शन है यहाँ पे ठीक है टैब्स आप कह लीजिए आपको आपकी मर्जी आप जितना भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो उसके बाद तो कैसे यहाँ पे ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे के आपने एक इमेजेस है है ना ये सिंपल एक इमेजेस है आपने चलो ठीक है सबसे पहले ये जो टैप्स हैं इनको हम टैकल कर लेते हैं और right, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक है सो लेट्स गो विथ वन सेक्शन यहाँ पे हम चलते हैं उसको एक क्लास देता हूँ आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसको मैं मेन्यू टैब्स दे देता हूँ मेन्यू टैब या टैब जो भी आपकी मर्जी है ना यहाँ पे क्यूएल ले, ले लेता हूँ एंड uh, इसको एक क्लास देता हूँ क्योंकि मुझे इवेंट डेलीगेशन यूज़ करना है इट मीन्स कि सिंपल मैं अगर पेरेंट को क्लिक कर दूँ आई मीन अगर कोई भी चाइल्ड क्लिक करता है तो पेरेंट में जो ऑन क्लिक है उसको ट्रिगर कर देता है जो कि कितनी इजी हो गई मतलब मुझे हर जगह ऑन क्लिक देने की जरूरत नहीं है एक पेरेंट को ऑन क्लिक दे दूंगा मेरा काम हो जाएगा सो एल आई पे मैं चलता हूँ इसको ऑल लिख देता हूँ यहाँ गाइस हम डेटा सेट प्रॉपर्टी का यूज़ करने जा रहे हैं जो कि मैं ऑलरेडी अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स में बता चुका हूँ तो उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा है ना ये एडवांस वाले में मैंने बताया है एंड डेटा सेट क्या एक रीड ऑनली प्रॉपर्टी है एस्टेमल एलिमेंट्स का इंटरफेस प्रोवाइड्स रीड राइट एक्सेस टू कस्टम डेटा एट्रीब्यूट्स ऑन एलिमेंट्स ये क्या मैं आपको बताता हूँ ठीक है फिलहाल यहाँ पे अभी अपने को आएगा जो भी आने वाला है तो यहाँ पे हम चलते हैं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक तो क्लास लेता हूँ जो कि कॉमन होगा ऑन लाइक एवरी एल एलिमेंट में एंड दूसरा यहाँ पे मैं डेटा प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ ठीक है सो इट्स ए कैटेगरी लिख देता हूँ मैं ये हमारे कैटेगरी विल बी इक्वल टू एंड ये जो डेटा सेट वाली जो पार्ट है ना ये जास्किट में एक अलग ही वैल्यू है इनकी जहाँ पे मैं कल के दिन जास्किट में ये जो डेटा कैटेगरी है विद द हेल्प ऑफ डेटा सेट इसको मैं गेट कर सकता हूँ बेसिकली एक्सेस कर सकता हूँ तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना मजा आ जाएगा तो यहाँ पे आप बस मुझे वो नाम लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक है मैंने वर्ड नहीं यहाँ पे ऑल लिखना था ठीक है इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ दो तीन एंड देन चार ठीक है तो ये जो ऑल ऑल है इसको मैं कर देता हूँ बर्ड कीजिए या एनिमल जो भी आपका मन हो यहाँ पे हम चलते हैं इस तरीके से कर देते हैं बर्ड यहाँ पे हम चलते हैं एंड इस तरीके से इसको कर देते हैं सिंपल नेचर है ना ऑल राइट मेरा काम हो गया कंट्रोल एस सेव करता हूँ यहाँ पे मैं चलता हूँ तो ऑलरेडी इसको एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है चलो ठीक है एक काम करता हूँ मेरे पास सी तो ऑलरेडी है राइट right? Uh, मतलब सबको मैंने सेंटर में करके रखा हुआ है टैप्स को अलग ही पार्ट uh, दे रखी जो अभी हम टैप्स तो क्रिएट कर ही चुके हैं दिस इज आवर टैप्स है ना तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्प्ले फ्लैक्स गैप इतना अपर केस कर दिया पॉइंटर रखा है लिस्ट स्टाइल को नन कर दिया मार्जिन बॉटम इतना सिर्फ इतना लिखने से क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं राइट एंड कुछ आपको इतना पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बॉडी को भी डिस्प्ले ग्रीड एंड देन प्लेस हाइफन आइटम सेंटर में दे चुका हूँ इसके चलते जो भी है हमारे ये मेरे टैब्स हो गए ये मेरे इमेजेस वो सब बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेंटर में मिलता है एंड उनके बीच में गैप आता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गैप प्रॉपर्टी जो मैं जगह जगह पे दे रहा हूँ ठीक है सिंपल ऑल राइट सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन मेरा जो सी एस एस है मैं अब लिंक कर देता हूँ सो कंट्रोल एस सेव मैंने कर दी यहाँ पे मैं आऊँगा तो परफेक्टली मुझे ये देखो कुछ इस तरीके से मिल भी रहा है ठीक है ऑल राइट परफेक्ट अब हम यहाँ पे चलते हैं एंड uh, एक काम करता हूँ सबसे पहले जो मेरा पार्ट है उसको भी क्रिएट कर लेता हूँ इसके नीचे वाले जो कि है हमारे इमेज चलो ठीक है सो लेट्स गो विथ सेक्शन यहाँ पे आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो यहाँ पे हम चलते हैं क्लास एंड लेट्स गो विद मेन्यू हाइफन इमेजेस चलो ठीक है यहाँ पे मैं चलता हूँ एक डिप ले, ले लेता हूँ उसको एक क्लास देता हूँ जो कि अगेन सब में कॉमन होगा हाँ एंड डैट विल बी इमेजेस एंड गाइस अगैसे काम करते हैं ये जो क्लास है इमेज वाली इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली एल को टारगेट कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा एंड इमेज जितने भी है वो हम हमारा जो एक्चुअल इमेज है उसको देते हैं ठीक है एंड यहाँ पे अभी जो डेटा कैटेगरी है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ तो बेसिकली अब आपको पता चला ना जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा कोई भी लेट से किसी ने ये बर्ड वाले पे क्लिक कर दी इस वाले पे तो जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो डेटा कैटेगरी में जो वैल्यू है उसको हम हमारे सेक्शन में जितने भी इमेजेस होंगे उसमें डेटा कैटेगरी का जो वैल्यू होगा उनसे हम मैच कराएंगे क्या ये जो है इस वाले कैटेगरी के जो भी वैल्यू से मैच कर रहा है अगर मैच कर रहा है तो हम उनको दिखाएंगे एंड बाकी सबको हम हाइड कर देंगे तो सिंपल फंडा बस इतना ही है ठीक है right, ये तो रहा हमारा डिप अब इसमें आ जाएगा हमारा इमेज तो ये जो इमेज है तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ तो कुछ नहीं मैंने जस्ट पेक्सल से ये लिया हुआ है यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन रखा है डेट्स वे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है वो वही हो ये जो दिख रहा है आपको ये मैंने एक्सटेंशन रखा हुआ इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है वो एंड बाकी तो कुछ नहीं अल्टरनेट टैग पे आप ज़रूर दीजिएगा फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ एंड उसी तरीके से ये हमारा पहला तो हो गया राइट तो ये पहला हो गया तो मैं बाकी के जो भी है उनको भी कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ ठीक है सो कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने एंड आई जस्ट रिमेंबर कि एक और बाकी है तो उसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ दिस इज़ इट तो ज़्यादा तो कुछ है नहीं जस्ट इमेज हमारा सोर्स एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट एंड देन ए ऑल्ट एंड देन हमारा जो ये डी वे उसमें हमारा मेन है एंड दैट इज डेटा कैटेगरी तो ये डेटा कैटेगरी देख लो इसमें एक में नेचर एक में एनिमल है एक में बर्ड है एक और में एनिमल है इसमें फिर से बर्ड है तो टोटल एक दो तीन चार एंड देन पाँच चलेगा परफेक्ट अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो ऑलरेडी जो मुझे चाहिए था वो देखो थोड़ा बड़ा दिख रहा है ये हंड्रेड में ऐसा दिखता है चलो ठीक है सो एनिमल बर्ड नेचर एंड देन ऑल ठीक है तो अभी सबसे पहले मुझे ये करना है कि इन चारों में से ये जो आपको दिखाई दे रहा है लाइक ये जो चार है इन चारों में से मैंने किसको क्लिक की मुझे सबसे पहले तो उसकी वैल्यू चाहिए सबसे पहले जो डेटा कैटेगरी वाली जो वैल्यू थी ना मुझे वो चाहिए ठीक है तो हम इंस्पेक्ट पे चलते हैं एंड कंसोल पे चलते हैं एंड मैं इसको एज इट इज रखता हूँ एंड ये ऑलरेडी रेस्पॉन्सिव है सो so, कैस हम क्या करते हैं यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो वी नीड टू राइट दिस स्क्रिप्ट टैग सोर्स एंड वी हैव अ इंडेक्स डॉट जी ठीक है आपको लगे तो टाइप मॉड्यूल लिख दो जो कि जो भी लेटेस्ट हमारा एक मैं स्क्रिप्ट उसको ये सपोर्ट करेगा बहुत बार क्या होगा कि अगर आप ये टाइप इक्वल एक टू मॉड्यूल नहीं लिखते तो बहुत सारी चीज़ें जो शायद ना चले तो ये मेक्स्योर करो ताकि आपका जो लेटेस्ट जे का जो भी कोड आप लिख रहे हो वो चल जाए बस है ना ऑल राइट तो अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ तो वी हैव दिस इंडेक्स डॉट जे एस वेलकम टू जी लिख देता हूँ फिलहाल जस्ट मेक श्योर कर रहा हूँ कि मुझे ऑल राइट वेलकम टू जे मुझे आ रहा है इट मीन्स कि मेरा ये काम कर रहा है परफेक्ट ठीक है अब ऑल राइट right. तो इवेंट डेलीगेशन अभी तक अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है देन आई हाईली में इवेंट डेलीगेशन मैंने लिखा है आप उस पर्टिकुलर पार्ट part को एक बार चेकआउट कर लीजिए भाई लिख के दे तो हम मजा आ जाएगा आपको मैंने पूरा ये जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं प्रोडिक्टेबल सबका मैंने बताया कैसे आप कर सकते हो मजा आ जाएगा चलो तो इसको मैं हटा रहा हूँ सो वॉट वी हैव ओवर हियर वी हैव दिस पार्ट आप बहुत क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेकेंड मैं ये चल देता हूँ ये ये जो पार्ट दिख रहा है ठीक है अभी आप क्या सोच रहे हो कि चलो इसको क्लिक करें इसको क्लिक करते हैं इसको क्लिक करते हैं एंड देन इसको क्लिक करते हैं जो कि अच्छी बात है आप क्लिक कीजिए लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है इस इनको क्लिक करवाने के लिए आपको टोटल चार आप समझ रहे हो टोटल चार बार ऑन क्लिक यूज़ करना पड़ेगा लेकिन क्यों ना हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन हो कि मैं किसी को भी क्लिक करूँ कहीं पर भी ऑन क्लिक देने की जरूरत ना पड़े अगर मैं खाली पेरेंट्स को दे दूँ ऑन क्लिक एंड देन कोई भी अगर उसके चिल्ड्रेन अगर क्लिक करता है तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से चिल्ड्रेन ने क्लिक की है एंड उस वो अगर पता चल गया तो मैं ये भी पता लगा लूंगा कि उसके डेटा कैटेगरी की वैल्यू क्या थी तो यही आपका इवेंट डेलीगेशन कहलाता है सिंपल जहाँ पे जो भी इनर चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स का जो इवेंट है उसको एक्सेस कर पाता है सिंपली ठीक है ऑल right, तो यहाँ पर हम चलते हैं सो नॉट ओवर हियर ओवर हेयर ठीक है तो इसमें देखो ये टैब जो है मुझे इसको एक्सेस करना है अब कभी भी जाब्रिप्ट को एस्टेमल के साथ कम्युनिकेट करना रहा या इंटरेक्ट करना रहा तो हम किसका यूज़ करते हैं डोम का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज नथिंग बट इट्स अ मीडियम यू नो ये एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है जिसकी मदद से जाबस्क्रिप्ट जो एस्टेमल के साथ कम्युनिकेट कर पाता है सिंपल डोम का मतलब बस इतना ही है वो बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया आप देख लीजिए वीडियो कोर्स पता चल जाएगा सो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं कॉन्स्ट so, है ना गो विथ कॉन्स्ट टैब्स के साथ में चलता हूँ आप लोगों के लिए इसको मैं जूम कर देता हूँ ठीक है सो वी हैव अ डॉक्यूमेंटेड क्वेरी सेलेक्टर यूज कर सकते हो या तो गेट एलिमेंट बाई आई भी आप कर सकते हो इट्स टोटली अप टू यू बट एव गुड क्वेरी सेलेक्टिव क्योंकि मुझे अब आदत हो गई है इसकी और तो बाकी तो कुछ नहीं ऐसा ठीक है दिस इज इट राइट तो अब मुझे इस पर एक इवेंट ऐड करना है तो अब हम इवेंट कैसे ऐड करेंगे सोचो या इट्स अड इवेंट लिस्ट नो जिसमें वी हैव टू फर्स्ट एट द इवेंट की कौन सा इवेंट आपको फायर करना है एंड देन सेकंड विल बी योर कॉल बैक फंक्शन राइट दिस विल बी योर कॉल बैक फंक्शन एंड एट द एंड एक और ऑप्शन अपने पास है आपको कैप्चरिंग चाहिए या बबलिंग फेज चाहिए जो कि आपका इवेंट डेलीगेशन में बहुत हेल्प आता है बेसिकली इवेंट प्रोफागेशन जिससे कि अभी फिलहाल हमें लेना देना नहीं बाय डिफॉल्ट हमारा जो बबलिंग फेस है एजीजी रखेंगे अब यहाँ पे तो जब भी कोई करेगा क्लिक चलो ठीक है क्लिक अब यहाँ पे वी नीड टू हैव द इवेंट ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इसके वीडियो अपलोड कर चुका हूं ठीक है तो इवेंट ऑब्जेक्ट में मैं कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट बस फिलहाल इतना मैं लिखता हूं ठीक है चलो मैंने इतना लिखा बस अब मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूंगा मैं एनिमल पे क्लिक करता हूँ एंड बुम गाइस ये देखिए क्या मिल रहा है मुझे यहां पे बराबर आ गया है कि भाई जिस अभी आपने जिस भी टैब को क्लिक की है उसका ये है एक्चुअल एलिमेंट तो मुझे एनिमल आ गया चलो ठीक है बर्ड पे क्लिक करूँ तो बर्ड आ गया नेचर पे क्लिक करता हूं तो नेचर आ गया ऑल पे क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या आ गया गाइस ऑल आ गया चलो ठीक है मुझे पूरा का पूरा एलिमेंट आ गया लेकिन मुझे पूरा एलिमेंट नीचे मुझे सिर्फ ये जो डेटा कैटेगरी में जो वैल्यू लिखी गई है मुझे वो चाहिए तो उसके लिए कभी भी अगर आप डेटा सेट के साथ देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है वी हैव दिस डेटा सेट एलिमेंट है एंड रीड एंड राइट एक्सेस टू कस्टम डेटा एट्रीब्यूट डेटा एंड देन हाइफन लिख के आपको लिखना रहता है डेटा एट्रीब्यूट पे मैं जाऊंगा तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है देन एसटेम एल डॉट डेटा सेट हमारे पास होता है जो कि अगेन यही है जो कि बहुत ईजिली आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो कहीं ये देखो यहाँ पे ई एल डॉट डेटा सेट डॉट वो एट्रीब्यूट की वैल्यू आपको लिखनी रहती है ठीक है so, सो कैसा रहेगा देखो एट्रीब्यूट तो हमारी कैटेगरी है सो so, अगर आपको यहाँ पे वो डेटा चाहिए होगा डॉट आपको डेटा सेट लिखना पड़ेगा एंड देन उस कैटेगरी का आई मीन वो एट्रीब्यूट का नाम डेट इज योर कैटेगरी दिस इज इट इतना अगर आप कर देते हो एंड अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अगर मैं क्लिक करूँ तो एनिमल बर्ड नेचर ऑल एनिमल बर्ड आप देख रहे हो गाइस कितनी ईजिली देखो ना मैंने इनमें से किसी को भी क्लिक इवेंट दिया ही नहीं था फायर ही नहीं की मैंने इसके पेरेंट को मैंने ऑन क्लिक दी तो आप कितनी ईजिली चिल्ड्रन उसको क्लिक करें तो मुझे पता चल रहा है कि हमें किस वैल्यू को मिलना चाहिए बस मुझे करना ये है किसी तरीके से ये जितने भी इमेजेस मेरे पास है उनमें भी तो मैंने सेम ये कैटेगरी वाला जो डेटा सेट है वो मैंने पास किए है ना ऐड किया हुआ है तो मुझे जब भी कोई किसी पे भी क्लिक करता है लेट्स एनिमल पे क्लिक किया तो ये जितने भी इमेजेस है उन सबको मुझे एक बार सर्च करना है कि ये जो एनिमल वाली जो डेटा कैटेगरी है किन किन इमेज के पास ऑलरेडी एडेड है या कौन कौन से इमेज़ में मैंने वो ऐड की हुई है बस जो भी मैच करता है उसको डिस्प्ले शो कर दो बाकी सबको हाइड कर दो बस अब मुझे करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करने वाला हूँ डैट इज़ फिल्टर या आप लिख सकते हो सर्च फिल्टर सर्च कर दीजिए एंड यहाँ पे ये जो भी आपने पास की है कॉपी कीजिए एंड देन पास कर दीजिए ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा एक फंक्शन में कॉल करना जब भी कोई भी एक बटन पे क्लिक करेगा टैप पे क्लिक करेगा तो ये जो फंक्शन है वो कॉल होगा जहाँ पे मैं इमेजेस को लूप में चला के सर्च करूंगा सिंपल राइट सो इसको हम कॉन्स्ट फिल्टर सर्च विल बी इक्वल टू योर फैट एरो फंक्शन कंट्रोल सेव कर देता हूँ एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक आर्गूमेंट पास uh, कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उसको गेट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे वैल्यू uh, लिख लेता हूँ उसको ठीक है वैल्यू लिख देता हूँ मैं कुछ भी लिख सकते थे आप इमेज वैल्यू या डेटा वैल्यू है ना कुछ भी आप लिख सकते थे मैं यहाँ पे चलता हूँ ऑल right. अब बस मुझे क्या करना है मुझे मेरे ये जितने भी इमेजेस है आप आप देख रहे हो ना सारे इमेजेस को तो मैंने क्या कर रखा है एक क्लास uh, दे रखी है इमेजेस एंड उनको भी मैंने कैटेगरी दे रखी तो मैं इमेजेस 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 इनको मैं गाइस बहुत इजीली एक्सेस कर सकता हूं एंड मैं एरे के थ्रू इसको लूप में चला सकता हूं तो देखो कैसे कॉन्स्ट वी हैव अ गैली गैलीलियो बोलने जा रहा हूं मैं भी गैलरी uh, लिख देता हूं वी हैव अ डॉक्यूमेंट डॉट अब देखो क्वेरी सिलेक्टर आपको लिखना पड़ेगा लेकिन सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर से काम नहीं चलेगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना पड़ेगा क्योंकि इमेजेस बहुत सारे हैं और इमेजेस से मेरा मतलब एक्चुअल इमेजेस नहीं ये जो क्लास वाली जो इमेजेस है ना ये इमेजेस बहुत सारी है ठीक है अगर आप सिर्फ एक बार लिखते हो तो सिर्फ पहला वाला आपको दिखाई देता है जो कि फिर काम का नहीं है सो so, डॉट चलते हैं एंड देन वी हैव अ इमेजेस चलो ठीक है so, सो कंट्रोल एस सेप मैंने कर दी अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ सिंपल अब ये जो गैलरी है अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें मैप मैथड लगा के एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मुझे मिलने वाला है कौन कौन सी वैल्यू मुझे मिलने वाली तो ऐसा कैसे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि जब आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ करते हो तो देन आपको बेसिकली एक नोड लिस्ट मिल रहा होता है ना कि एक एस टी एम एल एलिमेंट ठीक है तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये नोट लिस्ट क्या चीज़ है ये एस्टेम एल एलिमेंट्स क्या चीज़ है अगर आप गेट एलिमेंट बाई आई डी करते तो आपको आई मीन बाई क्लास नेम करते तब आपको एस्टेम एल एलिमेंट्स मिल रहे होते तो ये नोट लिस्ट एस्टेम एल एलिमेंट्स क्वेरी सेलेक्टर गेट एलिमेंट बाई आई डी डोम बॉम ये सब के ऊपर अगर एकदम इनडेप चाहिए देन एडवांस कोर्स को आप जरूर चेकआउट कीजिए बहुत मेहनत करके बनाइए जो व्यूज आए ना गाइस सच में मुझे बहुत बुरा लगा बाकी लोग कुछ आपको लाइक हवा हवा में बता रहे मिलियन व्यूज़ देते आप उनको यहाँ पे पूरा इंडेप्थ में जो आपको इंस्टीट्यूट ना पड़ा है वो मैंने बता दी तो कुछ है ही नहीं भाई वीडियो देखिए आप आप ठीक है और लाइट तो यहाँ पे चलते हैं तो मैप आपका काम नहीं करेगा पहली बता रहा हूँ तो हमें या तो फॉरेस्ट के साथ ही जाना पड़ेगा अब ठीक है तो हमें फॉरेस्ट के साथ जा रहा हूँ यहाँ पे सो so, फॉरेस्ट में भी सेम हुई है आपका करेंट एलिमेंट आपका जो इंडेक्स नंबर आपका वो करेंट एरे राइट सो मैं यहाँ पे चलता हूँ दिस इज चलो आप लोगों को कंसोल डॉट लॉक करके दिखा देता हूँ कि हमें यहाँ मिलने वाला क्या है तो मैं current एलिमेंट को मैं छोड़ रहा हूँ वैल्यू एज इट इजी है मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो पार्ट है ना अभी आप सोच रहे होंगे कंसोल डॉट लॉक तो कर दे कुछ मुझे मिल तो रहा नहीं है मिलेगा भी क्यों ये तो तभी आपको फंक्शन के आई I मीन mean, ये तो तभी मिलेगा ना जब हम किसी को क्लिक करेंगे तब जाके ये फंक्शन कॉल होगा लेट्स से मैं बर्ड को क्लिक कर देता हूँ ये देखो मैंने द मोमेंट बर्ड को क्लिक की तो बर्ड की तो वैल्यू मुझे यहाँ पर आ गई बर्ड की वैल्यू तो मुझे आ गई बट ये जो एक्स्ट्रा मुझे जो मिल रहा है ये क्या चीज़ है ये पता है क्या है ये क्या है ये है इसकी मदद से मुझे जितने भी मेरे इमेजेस है सबका डेटा मुझे यहाँ पे आ गया ये देखो ना पहला बर्ड है दूसरा आपका एनिमल है तीसरा बर्ड फिर नेचर फिर एनिमल तो सेम ये तो वही हुआ ना जो थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था अब मुझे क्या चाहिए ये वाली वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे चलूँगा करेंट एलिमेंट डॉट आपका ये डेटा सेट डॉट कैटेगरी खत्म देखो कितनी इजीली ये देखो अब अगर किसी को भी मैं क्लिक करूंगा बर्ड एनिमल बर्ड नेचर एनिमल खत्म तो मैंने आई I मीन mean, यूजर ने किस टाइप को क्लिक की उसकी वैल्यू तो हमें मिल गई उसकी वैल्यू तो मुझे मिल गई अब हमारे पास ऑप्शन में इतने सारे है कि भाई इतने सारे इमेजेस में से ये जो एनिमल किससे मैच खा रहा है इससे मैच खा रहा है और एक इससे मैच खा रहा है तो मुझे इसको हटाना है इसको हटाना है एंड देन इसको हटाना है बाकी जो मैच खा रहे हैं सिर्फ उसको दिखाना है अब ये अब ये तो बच्चों वाला काम है राइट सो so गाइस अभी तक अगर आपने फिगर आउट नहीं किया कि अब मैं कौन सा स्टेप करने जा रहा हूँ जिससे मैच किया तो दिखाना है एल्स नहीं दिखाना है तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस आप एक बार जा के कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि अभी छोटी छोटी चीज़ों पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना है यही तो आपका ये ट्यूटोरियल है या प्रोग्रामिंग हैल एक एक लाइन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ता है समझ रहे जैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर दू तो फट से आपको आ जाना चाहिए सिंपल अब आपसे अब ऐसे ही होगा डेटा सेट डॉट कैटेगरी पर मैं आऊंगा ठीक है अभी जब करंट एलिमेंट में जो लिख रहा हूं इट मीनस कि मेरी एक्चुअल इमेजेस जितने भी मेरे इमेजेस है वन बाय वन सब आएंगे ठीक है अगर वो ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू वैल्यू बोले तो जो यूजर ने जिसपे भी क्लिक किया होगा वो वैल्यू में जो पास कर रहा हूं उससे अगर वो मैच कर गया तो अब हमें क्या करना है वो पर्टिकुलर इमेजेस को डिस्प्ले करना है तो करेंट एलिमेंट डॉट उसका जो भी स्टाइल होगा डॉट उसका जो भी डिस्प्ले होगा तो मैं अब जाट में भी तो हम सेसेस से यूज़ कर ही सकते हैं ना यहाँ पे चल के मैं ब्लॉक कर दे रहा हूँ ठीक है एंड ये भी गाइस बोलने की नीड नहीं जास्कि का जो ये मेरा कोर्स है इस पर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो आपने देखा ना एक चीज़ तो ऑलरेडी सब कुछ मैं बता चुका हूँ तो अब जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है एंड अगर आप प्रैक्टिस पे भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपने अच्छे से नहीं देखा है वीडियो अगर देखा भी है तो खाली हवा हवा में देख लिया कि या कुछ नहीं है फिर ठीक है सो इट्स अ करेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले विल बी इक्वल टू मैन नन अगर वो मैच नहीं हुआ तो भाई जितने भी मेरे इमेजेस थे सबका डिस्प्ले नन कर दो खत्म यही तो मैंने तब से आपसे कह रहा हूँ ना जो जो मैच होता है उसको दिखाओ बाकी जो मैच नहीं होता उसको हाइड कर दो डिस्प्ले नन हम यही तो करते हैं और क्या करते हैं मैं यहाँ पे चल रहा हूँ क्लिक करता हूँ एटलीस्ट दो रख लेता हूँ एनिमल बर्ड बर्ड पे आ नहीं रहा है मुझे नेचर uh, पे भी नहीं आ रहा बट सिर्फ ओके एंड गाइस आएगा भी कैसे यहाँ पे आप देखो ना एक चीज़ करंट एलिमेंट डॉट स्टाइल होना चाहिए था ना ये क्या हो रखा है यहाँ पे अजीब सा कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ ठीक है मैं एनिमल बर्ड नेचर अब ऑल पे तो कुछ आएगा नहीं एनिमल बर्ड नेचर ठीक है अब एक प्रॉब्लम देखना अगर मैं बीच में देखो हाँ ध्यान से देखना अगर मैं बीच में क्लिक कर दूंगा ये देखो मुझे क्या वैल्यू आई मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है इस इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये कि मैंने तो पेरेंट को दिया था ना मैंने क्या किया था मैंने पेरेंट को क्लिक इवेंट दी थी तो अगर कोई इस पर या इस पर या इस इसपे या इस पर क्लिक करता तो ठीक है लेकिन ये जो बीच का ये जो पार्ट है बीच का ये जो पार्ट है इस पर भी तो लोग क्लिक कर सकते हैं ना तो मुझे क्या चाहिए कि भाई मेरे ये जो एक्चुअल एलिमेंट है ना उसी पे ही अगर क्लिक हो तो वो फंक्शन कॉल हो अगर कोई ये खाली बॉक्स पे अगर कोई क्लिक कर रहा है तब ये क्लिक नहीं होना चाहिए एंड हमने देख लिया अगर कोई खाली बॉक्स पे क्लिक करता है तो ये अनडिफाइंड लिख के आता है ठीक है तो अब ये जो फंक्शन है फंक्शन को मुझे तभी कॉल करना है जब हम वैलिड टैप पे क्लिक करेंगे सो so, इफ मेरा ये जो इवेंट है एंड देन ये जो मेरी कैटेगरी है अगर इसकी वैल्यू इज़ नॉट इक्ल टू एक सेकेंड नॉट इक्ल टू ऐ ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं इस तरीके से नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड ठीक है अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तो ही ये जो फंक्सन है आप एक सेकेंड ये जो मेरा फंक्सन है इसको आप चलाना समझ गए ना सिंपल क्योंकि अगर हम कहीं पर भी बाहर क्लिक करते तो अनडिफाइंड मुझे मिल रहा था तो मैंने बस बोल दिया अगर कोई भी क्लिक कर रहा है एंड अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तो ये फंक्शन कॉल करो बस ख़त्म अब एटलीस्ट इससे होगा ये कि एनिमल बर्ड नेचर ऑल पे तो कुछ आएगा नहीं लेकिन मैं अगर बीच में भी क्लिक करता हूँ तो भले ही यहाँ पे तो अनडिफाइंड मुझे मिल रहा है बॉटम पे तो मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है यहाँ पे बट इवेंट में मेरे को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं फंक्शन कॉल ही नहीं कर रहा हूँ अब रहा एक ऑल तो सिंपल है यहाँ पर आप एक और एल्स लगा सकते हो एल्स इफ है ना सेम यही जो वैल्यू है कॉपी कीजिए सॉरी इसकी भी नीड नहीं है अगर ये जो वैल्यू है इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू ऑल हाँ क्योंकि वैल्यू जो भी ऊपर से हमें मिल रही है अगर वो ऑल है तो पेस्ट दिस इज इट समझ गए अगर वो ऑल है तो जितने भी मेरे एलिमेंट्स है सबका जो भी डिस्प्ले है उसको ब्लॉक कर दो ब्लॉक कर दो मतलब यहाँ पे ब्लॉक नहीं होता है ब्लॉक का मतलब है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब वो दिखाओ उनको बेसिकली यहाँ पे सिंपल यही है तो अब एनिमल है बर्ड है नेचर है द मूमेंट ऑल पे क्लिक करता कर बूम तो गाइस सी देखो मुझे सब आ गया एंड कितनी इजीली हमने इसको टैकल की एकदम इन डेप्थ में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एक लाइन बाय लाइन यहाँ पे आप एक और चीज़ ये कर सकते थे इसको हम और ऑपरेटर में यूज़ करके इसको कॉपी कर दो क्योंकि देखो ना सेम है ना दोनों अगर दोनों सेम है तो फिर प्रॉब्लम क्या है और मैं करके इसको पेस्ट कर दो तो अब एटलीस्ट ये जो एक लाइन है इतना दो लाइन उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा तो ये एक लाइन में मेरा हो गया सो इट्स एनिमल बर्ड नेचर एंड देन ऑल एनिमल बर्ड नेचर एंड देन ऑल एंड देन इस पर भी क्लिक करता तो कुछ होगा नहीं देखो साइड साइड में ठीक है सो या गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए तो होप आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा इसका जो सोर्स कोड का लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट uh, सेक्शन में प्रोवाइड करा दूंगा एंड आई हाईली रिकमेंड प्लीज़ ये जो जास्किट वाला वीडियो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए देखिए एक बार कैसा लगता है इंस्टाग्राम में शेयर कर दो दोस्तों के साथ लगे तो मुझे टैग कर दो इंस्टाग्राम में समझ रहे हो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा कमेंट करके बताओ अपने जितने भी दोस्तों सबको शेयर कर दो तो कैसे इस इससे मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी साथ ही साथ आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि आप अपने दोस्तों को कुछ वैल्यूएबल शेयर कर रहे हो ना कि फालतू की रील्स एंड ऑल्स है ना सो so, यहाँ का इस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ बरबर -बर के शेयर नेक्स्ट आएगा इज़ वन मिलियन सब्सक्राइबर सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर